Okay, good morning student. We are doing practice set 6.3 construction. Okay, it is a construction of a in circle and circumcircle. But I'll do first circumcircle, then I'll do in circle. Okay, पहला मैं circumcircle करूँगा, फिर बाद में in circle करूँगा, क्योंकि circumcircle थोड़ा easier compared to in circle. In circle थोड़ा tough है. Okay, so we'll start 6.3. The question sum number 2. Question ऐसा दिया है, construct triangle PQR. Construct triangle PQR such that P कितना दिया आपको 70, R कितना दिया 50, QR is almost 7.3 and construct the circumcircle. पहला rough diagram बनाना जरूरी है. Rough diagram, okay? Circumcircle का मतलब क्या होता है? Circle बाहर रहेगा triangle के अंदर, triangle अंदर रहेगा. Circumcircle मतलब circle will be outside the triangle. Means all the vertices of the triangle touches the सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल. ओके, तो इसमें क्या दिया है, क्यू आर बेस दिया, तो ये तो पहला वे बनाएंगे क्यू आर क्यू, क्योंकि विदाउट बेस तो हमको सर्कल बना नहीं सकते. तो बेस क्यू आर कितना, ड्राइंग रूम बराबर होना है, क्यू आर कितना दिया 7.3, आर कितना दिया है 50 दिया, पी कितना दिया है 70. इससे ट्राइंगल बनता है क्या? नहीं बनेगा. क्यू देखो एग्जाम्पल, मैं पहला क्यू आर बनाया कितना 7.3, बाद में मैंने यहाँ से कितना लिया 50 लिया. अब इधर पॉइंट का है, यहाँ से मेरे को 70 लेना है, तो आर पी है ही नहीं, तो वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड एंगल. सबको पता है कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, उसका मेजर कितना होता है, तो पहला वो फाइंड करेंगे. वो थर्ड एंगल दिया नहीं, थर्ड एंगल फाइंड करना है. एक्चुअली ये एंगल का जरूरत नहीं है, बट ये एंगल फाइंड करने के लिए ये एंगल, सो वी नो दैट. तो पहला फाइंड करते हैं, रफ डायग्राम कंपल्सरी है. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होता है 180. वी नो द सम सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज व्हाट 180. पी कितना दिया है 70, क्यू नहीं दिया है, आर कितना दिया है 50 इज इक्वल टू 180. 70 और 50 कितना होता है 120, प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 180. ये प्लस उधर जाए तो क्या होगा माइनस, देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू कितना मिला 60. देखो तीनों एंगल मिलके कितना होता है 180, इतना अपना हो गया. अभी इसमें सर्कल कैसे बनाने का, ट्राइंगल पहला ट्राइंगल बनाएंगे, पहला क्या बनाएगा ट्राइंगल, उसके बाद सर्कल कैसे बनाएंगे वो बाद में करेंगे, पहला क्या बनाएगा ट्राइंगल बनाएंगे. ओके, यहाँ तक लिखा ना, हाउ टू मेक अ ट्राइंगल एंड वॉट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी बताऊंगा मैं, आई गो वेरी स्लोली. ओके, फर्स्ट आई विल ड्रॉ ए ट्राइंगल. ट्राइंगल में पहला क्या बनाएंगे अपन, पहला क्या बनाएंगे बेस बनाएंगे, क्या बनाने का बेस, तो पहला बेस बनाता हूँ. What is the base given? 7.3. कितना? 7.3 base बना होगा. This is your 7.3. Okay, 7.3. ये आपका Q और ये आपका R. कितना दिया है? 7.3 centimeter. कोई doubt? फिर यहाँ से कितना बोला है? 60. यहाँ से क्या बोला है? 50 बोला है. Okay? तो protractor लेता हूँ. I'm taking the protractor. कितना है? क्यू कितना है? 60. Equidangle. Equid रहेगा तो यहाँ से equidangle ऐसा आएगा. तो यहाँ से आएगा 10, 20. अंदर से लेना है 10, 20, 30, 40, 50, 60. Equidangle. Okay? 60 degree acute angle. Okay, I'm drawing the line here. थोड़ा बड़ा line draw करो, बाद में discuss करते हैं. 60 degree. Okay. The next we have to draw. कितने degree बोला? 50 degree. कहाँ से? R से 50 degree draw करेंगे. When you draw from here, you have to take from outside. Properly रखो. देखो बराबर लाइन रखना है. ओके, टेक फ्रॉम आउटसाइड 50 हियर. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो ट्रायंगल, हाउ टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. ओके, ये ट्रायंगल बन गया आपका, दिस इज योर पी. ये कितना है 50, ये 90 डिग्री चलेगा, ये 70. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. अब ये सर्कल कैसे बनाना है?
सर्कल के लिए तो सेंटर चाहिए है ना, सेंटर नहीं है तो इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर होना है। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। अरे परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसा बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे बनाता हूँ। फर्स्ट टेक ए राउंड, ओके प्लीज लिसन केयरफुली, फ्रॉम क्यू, हमेशा बेस का पहला परपेंडिकुलर, क्यू से मोर देन हाफ, ये कितना 7.3, मेजर मत करो खाली ऐसे देखो, मोर देन हाफ होना चाहिए, मोर देन हाफ, ओके मोर देन हाफ है तो प्रॉपर बनाओ। तो इधर एक आर्क क्यू से और इधर एक आर्क, ओके फिर चेंज नहीं करना है, कहाँ पे रखेंगे आर्क, ड्रॉ एन इंटरसेक्शन आर्क एंड ड्रॉ एन इंटरसेक्शन आर्क, समझ में आया इतना। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ओके ये आपका परपेंडिकुलर लाइन, इसे लंबा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, ओके देन वील गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन किसका बनाएंगे, चॉइस आपको रखा है मैंने, या तो आप पी क्यू का बनाओ या पी आर का बनाओ, आई गो विद पी आर, वंस अगेन द सेम सिस्टम, आर से मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, ओके तो मैं इधर बराबर रखता हूँ, मोर देन हाफ, एक आर इधर, या आप कहीं भी आधा चलेगा ऐसा नहीं है, ये आर इधर, ओके नहीं डाउट, चेंज नहीं करना है, कीप एट पी, ड्रॉ द इंटरसेक्शन आर and draw the intersection. अंदर आए तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? Now we have to join this one. इसको join करें. With the help of the scale. ये point को और ये point. तो scale बड़ा होना चाहिए, छोटा scale नहीं होना चाहिए. फिर take a big scale. छोटा scale नहीं लेना, ओके? इसको थोड़ा extend भी करो तो अच्छा है. Okay, all of you understand this one? These are called perpendicular bisector. Okay? अब ये दोनों लाइन टच कहाँ हुआ? ये टच हुआ. इसको अपन क्या बोलेंगे? O बोलेंगे. ये आपका सेंटर है. क्या? ये आपका सेंटर है. कोई डाउट किसी को? Now, अभी आपका ये राउंडर ले लो. Take a rounder here. Pointer कहाँ पे रखने का? O पे. और ये P पे रखने का है. Okay? ये R पे रखने का है. और ये क्यूब है सर, बराबर है कि नहीं पता, ओके की प्रॉपरली होल्ड इट, ओके एंड ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल प्रॉपरली आ जाएगा, नथिंग वेरी सिंपल वन, ये बहुत सिंपल होता है सर्कल, सर ओके दैट्स इट, ओके थोड़ा ये हो गया मेरा प्रॉपरली आता है, ओके देखो समझ में आया सर, ओके पहला क्या किया मैंने, फर्स्ट और ड्रॉ ए ट्रायंगल, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा भी इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट क्या और सेंटर ओ रहेगा, ओ से पी या आर कौन सा भी ड्रॉ करना है, ये सर्कल तीनों को टच होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, समझ में आया, ओके विल गो टू द नेक्स्ट सम।